कानून मंत्री के तौर पे आप क्या देखते हैं कि जो खासकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में जो पेंडिंग केसेस के आपने वो सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरुआत की, एक बड़ा अचीवमेंट हो गया रहा, अभी उसमें कितना हम लोग प्रोग्रेस किए हैं आगे? हमारे पास मुकदमों की संख्या बहुत पहुँचा है, 40 लाख से अधिक मुकदमे हमारे पास है जो अधीनस्थ न्यायालयों में पेंडिंग है। सबसे बड़ी चिंता थी हमारे पास नए जजेस की नियुक्ति करनी, हमने सर्वाधिक नियुक्तियाँ, आप ये देखेंगे आंकड़ा उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये शायद पहली मौका है कि हमने इतनी बड़ी संख्या में नई नियुक्तियाँ की। हमने पहली बार एक साथ 610 नए सिविल जज जूनियर डिवीजन, पहली बार 610 नए सिविल जज जूनियर डिवीजन, 100 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के पद सृजित किए हमने, 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीजन के सृजित किए, 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली हमने, स्पेशल कोर्ट्स का भी निर्माण किया जिसे SC ST जो हमारे भाई SC ST के उनको शीघ्र न्याय देने के लिए 25 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, माताओं बहनों को शीघ्र न्याय देने के लिए 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसके अलावा विभिन्न जो विशेष कोर्ट जो स्पेशलाइज विषय थे उनके लिए भी अलग से कोर्ट की स्थापना की। आप देखते होंगे पहले व्यापारिक विवाद होता था तो उसमें जो मुकदमे थे इन्हीं सिविल कोर्ट्स में जाते, कॉमर्शियल निर्णय सिविल कोर्ट्स के लोग करते थे, उनको इसका विशेष ज्ञान नहीं। अब हमने तय किया कि हम जो कॉमर्शियल मुकदमे उनके अलग कोर्ट खोले, अभी हमने 13 नए कॉमर्शियल कोर्ट खोले हैं और उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के जो वरिष्ठ मतलब वर्तमान के होंगे उनको हम उसमें तैनात कर रहे हैं और जिससे कॉमर्शियल कोर्ट्स का उनका अलग से अनुभव और उसी के निपटारा मिल सकेगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिद्धांत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करने के लिए कहा है उसके तहत हमने किया। इसके अलावा हमने नए जो हमारे जो ये ट्रांसपोर्ट जो कोर्ट्स हैं उसको अलग से हमने खोला, पहले जो हमारे इसके मोटर व्हीकल एक्ट के जो मुकदमे थे वो इन्हीं सिविल कोर्ट्स में चलते थे, उनकी बड़ी संख्या छोटे छोटे मुकदमे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अलग से कोर्ट स्थापित किए। इसके अलावा एक दो कोर्ट नहीं, हमने इस विषय में इतना ही किया है कि मुकदमों की संख्या के आधार पर हम कोर्ट को निकाला। अभी जैसे आपका अभी 2.5 साल का इस रिजीम का भी टेन्योर और बाकी है आज देवी, तो हम आप 5 साल बाद पूरा होने बाद कार्यकाल बाद आप क्या देखते हैं कि कितने अपॉइंटमेंट इतनी सारी चीज़ें आपने बताई तो एक जनता में लगेगा कि भरोसा डेवलप हो रहा है कि नहीं, मुझे जल्दी से न्याय मिलेगा। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जैसे ये तो मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, इसके अलावा और भी विशेष कोर्ट है जैसे अभी तक आप देखते होंगे NDPS का कोई कोर्ट नहीं होता, NDPS के अलग से हमने कोर्ट निर्धारित किया। अब हमने अभी एक सप्ताह पहले एक निर्णय लिया है कि हम ये अधिकार जिलाधिकारी को दिए, तो हमने जिलाधिकारी महोदय को ये अधिकार दिया है कि अगर वो कोई समझते हैं कि कोई मुकदमा चलने योग्य नहीं है या गलत पुलिस ने दर्ज कर लिया है, निष्पक्षता से नहीं दर्ज किया है, तो उसको हमें वो सीधे लिख देंगे बगैर आवेदन के। DM बगैर आवेदन के शासन को ये रिपोर्ट भेज सकता है कि मुकदमा समाप्त किया जाए, तो उसको हम समाप्त करेंगे। एक सवाल और जो डिस्ट्रिक्ट आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में कभी पारदर्शिता की और बीच में करप्शन की बात भी होती है तो लोगों का आम लोगों का न्यायिक व्यवस्था के प्रति और विश्वास मजबूत होते रहे होगी। मुझे लगता है पूरी दुनिया में भारत की न्यायपालिका और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका बहुत बड़ा सम्मान है। आप देखते होंगे पीड़ित व्यक्ति आता है उसको जब हर जगह से ठोकरें मिलती हैं, उसको सम्मान नहीं मिलता, उसको न्याय नहीं मिलता, तो हमारी न्यायपालिका उसे सम्मान देती है, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई घटना आई हो जहां न्यायपालिका को कहीं नीचे देखना पड़े। मुझे लगता है कि भारत की न्यायपालिका उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका बहुत ही सुदृढ़ है, मैं अपने न्यायमूर्ति वालों पर पूरा भरोसा करता हूं, उन्हीं की वजह से लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो स्थायी रूप से ठीक काम पुनर्पनल से लेके हर जगह अलग अलग विभागों में मेडिकल कॉलेज से लेके बहुत जगह हम लोग अब इस पे ऑप्शनल एनर्जी का जो कोर्स है उस पे जाएं। हमारे विभाग की आप मतलब मंत्री जी विभाग की क्या योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार का गठन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ तो हमने पुरानी नीति को बदल दिया, हमने नई नीति दिसंबर 2017 में पास की। पहले उत्तर प्रदेश सरकार का दिसंबर 2017 से पहले कुल 5 साल में 500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य था, हमने इसको बदल दिया, हमने 10,700 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा, इसमें 4,600 मेगावाट हम सोलर रूफटॉप के माध्यम से, शेष हम 6,300 हम सोलर पावर प्लांट के माध्यम से उत्पादित करेंगे। इसके लिए हमने सोलर पावर प्लांट के लिए लगभग 1,000 मेगावाट के टेंडर आ गए हैं और काम उनका शुरू हो गया है, कुछ महीनों में आप उनका उत्पादन शुरू करेंगे, शेष हम समय समय पर उनका टेंडर करेंगे, 2022 तक पूरा कंप्लीट करेंगे।
और जो सोलर रूफटॉप है उसके लिए हमने अतिरिक्त प्रावधान किया, अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर विद्युत उत्पादित करना चाहता है सोलर और करंट के माध्यम से, तो हमने सब्सिडी का भी पहले भारत सरकार से 30% सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी नीति परिवर्तन करते हुए सब्सिडी को दरों को विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया है। 20% सब्सिडी तब हम देंगे जब 3 किलोवाट तक का प्लांट आप लगाएं। अगर आप 20% तक की सब्सिडी हम देंगे जब आप 3 किलोवाट से अधिक का प्लांट लगाएं, और 3 किलोवाट से कम का अगर प्लांट लगाते हो तो हम 40% सब्सिडी, और उत्तर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये प्रति किलोवाट और मैक्सिमम 30,000 रुपये सब्सिडी अतिरिक्त रूप से। जैसे अगर आप घर पर सोलर पैनल अपने इंडिविजुअल कोई हाउस होल्ड में लगवाना चाहते हैं तो विभाग उनके लिए क्या इजी बेस्ट प्रोसेस करता है कि भैया उनको दौड़ भाग ना करनी पड़े? हमने इसकी ऑनलाइन व्यवस्था की है, यूपी नेडा की एक वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन जाएंगे, आवेदन करेंगे, वो 70 दिनों तक वैध रहेगी आवेदन के दिन से। 70 दिनों में आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आपको सब्सिडी भी ऑनलाइन आपके खाते में आ जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, मैक्सिमम 30,000। भारत सरकार की अगर 3 किलोवाट के नीचे लगाते हैं तो 40% सब्सिडी, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप जो बिजली उत्पादित करेंगे, अतिरिक्त बिजली अगर आप बना लेते हैं, मान लीजिए गर्मी में आप मकान बंद करके छुट्टी पे बच्चों के साथ चले गए गर्मी की छुट्टी में, तो अगर आपने विद्युत कंज्यूम नहीं की तो 1.90 रुपया 2 रुपया यूनिट हम बिजली परचेज भी करेंगे नेट मीटरिंग के माध्यम से। एक सवाल बहुत व्यक्तिगत है, दिन भर जैसे आपने बताया ना कि आपको लोगों से मिलना अच्छा भी लगता है और लोगों के बीच में रहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ होती है सुबह शाम तक लोगों से मिलना, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, कब चिड़चिड़ाते हैं? ईश्वर की कृपा है जो हमें गुस्सा बहुत कम पहले आता था। छात्र राजनीति उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष फिर विधायक फिर सांसद लोकसभा के फिर राज्यसभा और मंत्री, कौन सी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी? मेरे जीवन की आपने एंजॉय किस भूमिका ज्यादा? मेरे जीवन की राजनीतिक शुरुआत ला रिप्रेजेंटेटिव से, छात्र संघ में सबसे छोटा पद होता है, मैं विधि संकाय का प्रतिनिधि था 1987 में, उसके उपरांत 1989 में छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ, फिर 1990 में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ, और तब से लेकर आज तक सभी भूमिकाओं में मैं समझता हूँ कि समर्पण भाव से जो दायित्व मुझे ईश्वर ने सौंपा है उसमें काम करना चाहिए, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। उस समय भी आप देखते थे छात्रों के हुजूम के बीच में रहता था, प्रवेश की समस्याएं, उनके छात्रावास की समस्याएं, उनकी स्पोर्ट्स की समस्याएं, उनको बीमारी की समस्या या अन्य समस्याएं जो आती थी, हम लगातार उन लोगों के संपर्क में रह करके किसी भी प्रकार से इनके प्रकार उनके कार्यों को संपादित कर रहे, और तब से लेकर आज तक ईश्वर की कृपा से यात्रा जारी है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा कभी मुझे अकेले रहने का काम अवसर नहीं मिला, लगातार मैं छात्रों के बीच में, उसके पास मैं जब विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा में हूँ, लगातार हमको कभी भी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं अपने लिए कुछ सोच रहा हूँ, लगातार लोगों के साथ रहा सुबह दिन से लेकर रात तक, फिर सो गए, अब सुबह उठ करके फिर भीड़ में, तो मुझे ईश्वर की कृपा से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और हर समय मुझे अच्छा लगता है। मुझे केवल मन में चिंता रहती है कि कोई व्यक्ति निराश ना हो, हमसे नाराज ना हो, अगर कोई नाराज व्यक्ति है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी नाराजगी मत। आपको क्या लगता है कि आपको क्या हुआ अब तक की, क्या आपकी उपलब्धि है कि पूरे आपके इतने दिन के ग्रोथ यहाँ करियर की कई भूमिकाएं? हमारे पास एक मित्रों की बहुत बड़ी श्रृंखला है उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में और देश के लगभग सभी राज्यों में, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और प्रदेश में जो मित्रों की श्रृंखला है वही हमें यहाँ तक पहुँचा। आप देखते होंगे कि हमारे चुनाव में दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग लगते हैं। लखनऊ में जब मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र हों, चाहे बीएसपी के मित्र हों, कांग्रेस के मित्र हों, और सर्व समाज के लोग, जितने भी हमारे संगठन हैं, जो एनजीओज हैं, सब ने मिलकर मेरी मदद की, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा। तो ब्रजेश जी को व्यक्तिगत जीवन में राजनीति तो ठीक है, सुबह शाम तो राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में खाली टाइम जब निकालते हैं या मिलता है मैनेज करते हैं, क्या पसंद है ब्रजेश जी खाली टाइम में क्या करते हैं? हमारे पास जब कोई काम नहीं होता तो हम अपने मित्रों से बात करते हैं, उनको फोन मिला लेते हैं या उनके घर चले। परिवार को टाइम कब देते हैं? परिवार को उनके लिए क्वालिटी टाइम क्या करता हूँ कि ऑफिस के समय के बाद मैं उनके साथ रहूँ। लखनऊ में जब भ्रमण पे होता हूँ, किसी घर में बर्थडे है या किसी व्यक्तिगत मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो उनको हम साथ लेके जाते हैं। उद्देश्य से भटकेंगे, जैसे आपने जीवन में 10 साल पत्रकारिता किया, 10 साल आपने पॉलिटिक्स किया, 10 साल आपने अपना दुकान खोला, तो गड़बड़ लगे रहो, एक ट्रेड पकड़ के लगे नामा कुछ जो भी ईश्वर करना चाहिए। सामान्य आप देखते होंगे जो बहुत बड़े आदमी होते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है,
लोग कह देते हैं कि हमने तय कर लिया था कि हमको यही बनना है, मुझे नहीं लगता, मुझे मेरा मानना है ये ईश्वर की देन है, कौन क्या करेगा। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति बना, इसमें मेरा कोई योगदान है मुझे नहीं लगता। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया था, उस दिन क्या हुआ, फिर छात्र आंदोलन में गिरफ्तारी हुई, फिर हम जेल गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप कदम बढ़ते गए। आज आप कोई अगर ये टारगेट बना के चले कि हमें ये बनना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक विजन होता है उस और आप कदम बढ़ाते जाते हैं, जहां आप लगे वहां लगे रहो, लगे रहिए। हाँ, जहां आप लगे वहां लगे रहो, उस पल तक। ब्रजेश जी माशाल्लाह फिट भी हैं, अच्छे खासे हैं तो, और शांत भी रहते हैं इतने लोग मिलने बाद, क्या करते हैं अपनी फिटनेस के लिए? पहले सुबह टहलते थे इधर, चूंकि दबाव अधिक है, सुबह लोग मिलने वाले ज्यादा आ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई समय ऐसा निकालूँ कि शाम को एक्सरसाइज कर सकूँ, तो शाम को 5:30 बजे से और कुछ एक समय एक घंटे का ऐसा होता है, जब कोई मीटिंग वगैरह या ऐसा नहीं होता, मीटिंग जो होती है वो 4 बजे तक 5 बजे तक हो चुकी है, तो 5:30 से लेके 6:30 बजे का समय है जो हम अपने लिए देते हैं एक्सरसाइज वगैरह।